योद्धा वो नहीं जो जंग से पहले ही हार जाए, योद्धा वो है जो बिना कश्ती के समंदर पार जाए। यूं तो जमाने में कई मुकद्दर के सिकंदर हैं यारों, यूं तो जमाने में कई मुकद्दर के सिकंदर हैं यारों, योद्धा वही है जो रण क्षेत्र में अपने डर को मार जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंतर्गत स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स का ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग मात्र नौ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट और नौ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह है हमारे भौकाल प्रश्न। भौकाल प्रश्नों का मतलब क्या है? ऐसे प्रश्न है जो हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस यानी कि बल के त्रिभुज के नियम और लामी की प्रमेय, लामीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कुछ हट के। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। अच्छा, इससे पहले हमने यूनिट 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग स्टैटिक्स कर रहे हैं यूनिट 13, है ना। चलिएगा इसे लगातार कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आज के इस वैल्यूएबल सेशन को। यहां पे हमें सबसे पहले जानना है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस यानी कि बल त्रिभुज का नियम। तो बल त्रिभुज का नियम कहता क्या है कि यदि किसी बिंदु पर क्रिया करते हुए या किसी बिंदु पर लगे हुए तीन बल परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की चक्रीय क्रम में ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं, तो ये तीनों बल संतुलन में होते हैं। अगर कैसे भी करके वो त्रिभुज द्वारा निरूपित हो रही हैं रेखाएं, सॉरी जो बल हैं परिमाण और दिशा में, मान लीजिए कि हमारे पास तीन बल दिए गए थे, है ना, एक बल ये है और एक बल ये है, एक मिनट, है ना, मान लीजिए कि एक बल ये दिया गया है, एक बल ये दिया गया है और एक बल ये दिया गया है, तीन बल। यदि किसी बिंदु पर क्रिया करते हुए तीन बल, है ना, एक बल ले लेते हैं P और ये बल है Q किसी बिंदु पे, ये बिंदु O पे क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे O पे क्रिया कर रहे हैं बिंदु O, है ना, और ये है पी क्यू आर, ये लगे हुए हैं बिंदु O पर, करते हुए तीन बल परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की चक्रीय क्रम में ली गई भुजाएं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक भुजा ले लीजिए पहले, है ना, हम पहले P वाली भुजा ले लेते हैं, P वाले बल को हम डिनोट कर देते हैं। चलिएगा, हमने यहाँ पे बल P को क्या किया, डिनोट कर दिया। अच्छा, बल P से फिर क्या करना है हमें, Q को डिनोट करना है। तो जो भी होगा ये वाला जितना एंगल ये बन रहा होगा यहाँ पे P और Q के बीच में, जितना P और Q के बीच में एंगल होगा वो यहाँ पे बना देंगे, इस साइड बना देंगे, ठीक है। अच्छा, बन गया ये। इसके बाद ये क्या मिल गया हमें, Q मिल गया। फिर क्या करना है, जितना R और P के बीच में बन रहा होगा एंगल वो नीचे साइड बना देंगे, नीचे साइड बना देंगे, है ना, आर के पैरेलल लाइन खींच देंगे और इसे आगे पीछे बढ़ा देंगे, पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो पी क्यू आर तीनों क्या होंगे, एक ट्राइंगल के द्वारा डिनोट किए जा सकते हैं, है ना। यानी कि बल का त्रिभुज नियम यानी कि लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस ये कहता है यदि किसी पॉइंट पे तीन बल रिजल्टेंट सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी त्रिभुज की किसी ट्राइंगल की चक्रीय क्रम यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में ली गई हैं, साइक्लिक ऑर्डर में ली गई हैं चक्रीय क्रम में भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं, तो तीनों बल इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, तीनों फोर्सेस जो होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, यानी कि तीनों बल जो होते हैं संतुलन में होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है, इन तीनों बलों को एक ट्राइंगल के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, रखा जा सकता है, है ना। दिशा का मतलब क्या होगा, एंगल हो गया, और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण का मतलब क्या हो गया, उसकी लंबाई हो गया, यानी कि भुजाओं की लंबाई, जितना बल का परिमाण होगा भुजाओं की लंबाई बन जाएगी, और जो डायरेक्शन यानी कि दिशा की बात की जा रही है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल बनते हैं वो, है ना, इंटीरियर 180 से घटा के निकाले जाते हैं। चलेगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बलों का त्रिभुज नियम। अच्छा, इसमें कुछ जो दो जरूरी बातें हैं वो ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि बल त्रिभुज में निम्नलिखित दो बातें अवश्य ध्यान रखें, बल हमेशा किस क्रम में लिए जाएँ, साइक्लिक क्रम में लिए जाएं, साइक्लिक ऑर्डर में लिए जाएं, यानी कि बलों को एक क्रम से लिया जाए, और तीनों बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हों, तीनों बल जितने भी तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लगे होने चाहिए, है ना। ये दो बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, एक पॉइंट और है, इसका कन्वर्स है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बल त्रिभुज नियम का विलोम है। देखिए वहां पर क्या कह रहा था, वहां पर यह कह रहा था कि यदि किसी कण पर लगे हुए तीन बल परिमाण और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की साइड से निरूपित किए जाएं, तो ये संतुलन में होते हैं, और इसका अपोजिट क्या होगा कि ये संतुलन में होंगे, है ना, ये इक्विलिब्रियम में होंगे, संतुलन में होंगे, ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि संतुलन में होंगे,
तो क्या होगा? परिमाण और दिशा में एक ऐसे त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं या निरूपित किया जाएगा जिसकी भुजाएं दिए गए बल की दिशा के समांतर और बलों की लंबाई के परिमाण के बराबर हो, है ना। तो ये क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। चलिएगा समझते हैं। यानी कि अगर तीन बल वहां पे क्या होता था कि अगर निरूपित किए जाते थे संतुलन में होते थे, और यहां पे क्या कह रहा है, अगर संतुलन में है तो इन्हें ट्राइंगल की साइड्स के रूप में निरूपित किया जा सकता है, यानी कि बलों की दिशा के समांतर, बल जो भी बल दिया गया उसके दिशा के समांतर और लंबाई बलों के परिमाण के बराबर होगी, है ना। इस तरह से निरूपित किया जा सकता है इन्हें। चलिएगा इनसे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कहां से इसके क्वेश्चन आते हैं ये समझते हैं। देखिएगा, कह रहा है यहां पे तीन समान परिमाण वाले बल एक बिंदु पर इस प्रकार लगे हैं कि उनके बीच के कोण क्रमशः 80, 120 और 160 हैं। ठीक है, तीन समान परिमाण वाले हैं, है ना। तीनों के परिमाण जो है क्या है, समान है। देखिएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड सभी के सेम है, है ना। ये मैग्नीट्यूड पी है, ये भी पी है मान लेते हैं, और ये भी पी है। चलिएगा, अच्छा पहले वाले उनके एक के बीच का कोण 80 है, दूसरे के बीच का कोण है 120 और तीसरे वाले के बीच का कोण है 160। एक काम करते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, खींचने के प्रयास करते हैं। भाई इन तीनों के रिजल्टेंट यानी सॉरी मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है, पी हैं, बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। और तीनों साइड्स इक्वल होने के लिए क्या करना होगा, पहले हम इन्हें क्या करते हैं, ट्रायंगल में रखते हैं। देखिएगा, ये पी हो गया, है ना, पैरेलल रखा जाता है, हमने इसके पैरेलल रख लिया। फिर इसके बाद 80 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये हमने बना दिया। यहाँ पे हमने मान लिया कि 80 डिग्री का एंगल बना रही है एक्सटीरियर एंगल। अच्छा वो 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 80 हट जाएंगे, 100 डिग्री का बन जाएगा, है ना। ये 100 डिग्री बन गया। इसके बाद पीछे साइड कितने का बनाना है, इस वाले के बीच में कितना बनाना है भाई, 120। कितना बनाना है, 120। कौन कौन से, ये पी हो गया, अगला वाला जो है 120, नहीं 160 है ये वाला, है ना, अगला वाला ये वाला 120 है, ये वाला एंगल 120 है, अच्छा 160 है। 160 बनाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये हो गया 160, ये हो गया, तो ये कितना बचेगा भाई, ये 20 बचेगा। अच्छा 100, 120 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जो भी आएगा, है ना, बाहर वाला तो ये तो हो गया, और ये कितना आएगा, 20 हो गया, ये 100 हो गया, अरे वो 160 वाले से घटा दो, तो ये भी कितना आ जाएगा, 160 वाला निकल गया 120, ये 40 आ जाएगा, है ना, कितना था 60 आ जाएगा, 60 20 80 120 100, तो इंटीरियर एंगल हो गए। लेकिन अगर इनके रिजल्ट मैग्नीट्यूड इक्वल है, परिमाण समान है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा। समबाहु त्रिभुज का तीनों जो कोण होते हैं 60 अंश होते हैं, अगर इनके तीनों कोण, ये भी 60 आया होता, ये भी 60 आया होता, ये भी 60 आया होता, तो ये बल संतुलन में होते, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि इनका परिमाण जो सेम है और इनके कोण अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि दिशा परिमाण तो हो गए लेकिन दिशाएं निरूपित नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये बल जो हैं संतुलन में नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम में स्टेज में होते तो क्या होता, ये समबाहु त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित हो जाते, यानी क्या है, ये असंतुलन में होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि तीन बल जो दिए गए 12, 5 और 13 इकाई के एक बिंदु पर लगे हुए हैं, संतुलन में हैं। अच्छा ये संतुलन में हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये ट्राइंगल्स की साइड्स के रूप में निरूपित किए जा सकते हैं। निरूपित कर दीजिए, बना दीजिए ट्राइंगल एक, है ना, एक ये हो गई 13 यूनिट, एक हो गई 12 यूनिट और एक हो गई 5 यूनिट, है ना, बन गया ट्राइंगल। तो कह रहा पहले दो बलों यानी कि 12 और 5, पहले दो बलों का मतलब क्या हुआ, 12 और 5 के बीच का कोण कितना होगा, ये कोण हमसे पूछा है। अब देखिए, क्योंकि ये एक पॉइंट इसने कह दिया है कि ये किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है, संतुलन में है। अगर ये संतुलन में हैं तो त्रिभुज की भुजाओं के रूप में इन्हें निरूपित किया जा सकता है, परिमाण और दिशा के अकॉर्डिंग इन्हें त्रिभुज का एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। बन गया भाई त्रिभुज, बन गया यानी कि 13, 12 और 5 एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। अब ये त्रिभुज कैसा होगा ये देखना है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो है 13 दिख रही है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। छोटी वाली दोनों भुजाएं देखो, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है, है ना। ये मतलब कि समकोण त्रिभुज होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देखिए यहाँ पे दोनों
इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और ये अगर समकोण त्रिभुज है तो देखो यही 13 13 क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगी, यानी कि कर्ण होगी। कर्ण के सामने क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो 12 और 5 के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा किसी बिंदु पर क्रिया करते हुए उन 3 समान परिमाण वाले बलों का परिणामी कितना होगा जो एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बनाते हैं। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं बलों के नियम से करेंगे इसे। कह रहा कि इसी किसी बिंदु पर क्रिया करते हुए 3 बल समान परिमाप के हैं, है ना, सबका रिजल्टेंट जो है वो सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड सभी का क्या है, सेम है। ये पी और ये भी पी, ये भी पी, तीनों पी 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 परिमाण दिए गए हैं और इनके बीच में 120 और 120 का कोण है, है ना। देखते हैं, समझना इसे क्या करना है, हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो पहले ये वाला बल खींच लीजिए, खींच दिया, फिर इस बल का 120 अंश का कोण बना दीजिए। कितना, 120 से हमने कोण बना दिया यहाँ पे। अच्छा, ये 120 का कोण बन गया, ये वाला पी था, ठीक है। फिर एक 120 अंश का कोण यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला, ये वाला दिखा दीजिए यहाँ पे, है ना, इसी के पैरेलल रहेगा ना, तो ये यहाँ पे 120 दिखा दीजिए, ये बन गया 120। और इसे पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया हमने पीछे की ओर, है ना। तो ये वाला अपने आप 120 आ जाएगा, ये अपने आप 120 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, है ना, ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म कोण है। देखो यहाँ पे ये रैखिक युग्म कोण है, ये 120 है, रैखिक युग्म कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 120 हो गया, तो ये कितना बचा, 60। और ये कितना बचा, 60। और ये कितना बचा, 60। यानी कि ये जो बल दिए गए हैं, तीनों समान परिमाप के बल दिए गए हैं, वो एक के समबाहु त्रिभुज से निरूपित किए जा रहे हैं। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज से निरूपित हो रहे हैं, तो ये जब समबाहु त्रिभुज से निरूपित हो रहे हैं, यानी कि बल संतुलन में है, बल संतुलन में है। जब भी बल संतुलन में होंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, परिणामी होगा, वो शून्य होगा। अगर बल हमारे पास संतुलन में है तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो शून्य होगा, परिणामी क्या होगा, तीनों बलों के परिणामी को त्रिभुज में रखने पर समबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसलिए क्या कहेंगे, मान लेंगे हम तीनों बल, इसलिए तीनों बल क्या होंगे, संतुलन में होंगे। और जब बल संतुलन में हैं, इसका मतलब यह है कि इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट जो होगा, है ना, इनका जो परिणामी होगा इस सिचुएशन में क्या होगा, शून्य होगा। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी कण को उन 3, है ना, हमसे देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, कह रहा किसी कण को उन 3 असमांतर बलों द्वारा संतुलन में रखा जा सकता है जिनके परिमाण निम्न के समानुपाती हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। कुल मिला के यहाँ पे हमें 3 बल दिए गए हैं सभी में, है ना, 3 बल दिए गए हैं, ये ये और ये। कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसको परमाणु और दिशा में एक ट्राइंगल के रूप में बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है, है ना, उस विकल्प का हमें चयन करना है। किसी कण के उन सभी 3 असमांतर बलों द्वारा संतुलन में रखा जा सकता है, संतुलन में उसे ही रखा जा सकता है जो ट्राइंगल बना दे, और जो ट्राइंगल नहीं बनाएगा उसे संतुलन में नहीं रखा जा सकता। तो देखो ट्राइंगल बनाने की सिचुएशन क्या होती है, तीनों साइड्स दी गई हैं, बलों के परिमाण दिए गए हमें, बलों के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज दिए गए हैं सभी, है ना, यानी कि भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो हमें सीधे सी बात बताई गई है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जिसमें ऐसा फॉलो होगा वही करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, 6 + 14 कितना भाई, ये तो 8 से बड़ा ही होगा, अच्छा ये तो ठीक कर रहा है। फिर यहाँ पे 14 + 8 ये भी बड़ा होगा 6 से, तीसरी भुजा से। फिर और देखिए 6 + 8, अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है 14, दोनों बराबर आ गए, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही, मतलब कि ये सही विकल्प नहीं हो सकता। इससे मिलाकर इन फोर्सेस की मदद से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो संतुलन में नहीं होगा। इसे देखिए 4 + 5, अरे ये तो छोटा आ गया, छोटा नहीं आना चाहिए था, बड़ा आना चाहिए था, छोटा नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, बड़ा। तो इससे भी नहीं बनाया जा सकता। शी वाले पार्ट में देखिएगा, 10 + 12 जोड़ेंगे हमेशा 15 से बड़ा आएगा, फिर 12
प्लस 15, तीसरी साइड 10 से हमेशा बड़ा आएगा। 10 प्लस 15 हमेशा तीसरी साइड यानी 12 से बड़ा आएगा। यानी कि इन तीनों को लेके एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है। इन तीनों बलों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को लेके, इन तीनों बलों के परिणाम को, परिमाण को लेकर एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है जो संतु, तो ये तीनों बल क्या होंगे, 10, 12 और 15, ये क्या होंगे, संतुलन में होंगे, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में होंगे, है ना। चौथे में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या तीन समान परिमाण के बल एक बिंदु पर लगे हैं, समान परिमाण पे लगे हुए हैं ना, वही सेम कंडीशन बन रही है। यहाँ पे भी हमारे पास देखो इंटीरियर एंगल इसका कितना आ जाएगा भाई, एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा 180 में 70 घटाओगे, 180 में 70 घटाओगे एक आ जाएगा 110, और एक कितना आ जाएगा 180 में 25 घटाएंगे, है ना, कितना आ जाएगा 55, है ना, 55, हाँ 55, ठीक है 55 आ जाएगा, 55 आ गया, 125 55, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, 165, 165 को 180 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, है ना, 15 आ जाएगा, 180 और 570 180, ठीक है। अलग अलग देखो, जबकि क्या है, तीनों के रिजल्टेंट क्या हैं, परिमाण क्या हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तीनों के सेम है, यानी कि लेंथ ऑफ साइड सेम है। अब जब किसी ट्राइंगल की लेंथ सेम होती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सभी 60 और 60 होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 60 होते हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे 110 डिग्री आ रहा, 55 डिग्री आ रहा, 15 डिग्री आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल यानी कि एक ट्राइंगल से निरूपित भी कर दिया जाए लेकिन इनके एंगल सेम नहीं आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, असंतुलन में होंगे, यानी कि नॉट इन इक्विलिब्रियम, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बिंदु पर तीन बराबर बल कार्य कर रहे हैं, वे संतुलन में हैं, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। अभी आपने देखा है कि अगर वो संतुलन में होते हैं, है ना, संतुलन में होते हैं तो सभी के एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, है ना, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है, तीनों क्या हैं, परिमाण बराबर हैं, है ना, तो एक्सटीरियर एंगल भी आपने देखा कई बार सभी इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 360, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो प्रत्येक क्या होगा, 120 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 26 किलोग्राम, अच्छा 26 किलोग्राम भार का एक पिंड 5 और 12 सेंटीमीटर लंबी दो जंजीरें, दो वायर दी गई हैं, दो जंजीरें दी गई हैं हमें, है ना, ये 5 देखो यहाँ पे, एक ए बी जंजीर है हमारी और एक एसी जंजीर है जिसकी मदद से ये 26 किलोग्राम भार का पिंड को लटकाया गया है, है ना, 26 किलोग्राम भार, किलोग्राम वेट ये लटका हुआ है। उसके बाद कह रहा है जंजीरें एक ही क्षैतिज तल में, है ना, ये कह रहा है कि एक ही क्षैतिज तल में दो बिंदु हों, एक बिंदु हमारे पास ए है और एक बिंदु सी है, है ना, ए और सी है, दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं में 13 सेंटीमीटर किनके बीच की दूरी है, बंधी हुई है, जंजीरों का तनाव निकालना है। देखो ये है हमारे पास दोनों जंजीरें, एक ए बी है और एक क्या है, ए सी है। हमने मान लिया है कि इस पे जो तनाव है वो टी वन है और इस पे जो तनाव है वो टी टू है ना, उस पे तनाव जो है टी टू है। चलिएगा अब एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये भार लटका हुआ है, हम इस रेखा को बढ़ा देंगे आगे तो यहाँ पे 90 अंश का ये कोण बनाएगी, ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनाएगी। अब चूंकि ये 13, 12 और 5 है, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, यहाँ पे ये कोण 90 अंश का होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा कोण बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको हम लेंगे थीटा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस बिंदु बी पर 26 किलोग्राम और T1 और T2, देखो T1 T2 भी एक प्रकार के टेंशन है, यानी कि तनाव है, और तनाव भी क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, एक प्रकार का बल होता है। यानी कि इस बिंदु बी पर तीन बल लगे हैं, T1 लगा है, T2 लगा है, T3 लगा है। चूंकि ये क्या, एक त्रिभुज के द्वारा डिनोट किए जा सकते हैं, इन तीनों बलों को एक त्रिभुज की साइड्स के रूप में डिनोट किया जा सकता है, इसलिए ये बल क्या होंगे, संतुलन में होंगे। और जब ये बल संतुलन में होंगे तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं लामी की प्रमेय, है ना, यहाँ पे लगा सकते हैं हम लामी की प्रमेय। लामी की प्रमेय के लिए हमें चाहिए ये एंगल और हमें चाहिए ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल तो हमें पता है। चलिएगा शुरुआत करते हैं निकालने का। देखो ये वाला एंगल थीटा है,
कितना भाई थीटा है और ये कितना है 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि जो फोर्स होगा ये सीधा 90 डिग्री पे, सीधी लाइन खींचोगे तो 90 डिग्री पे ही जो भी लटक रहा होगा उस 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा सीधा, तो 90 ये हो गया। और ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल, देखो इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ये बाह कोण है, बाह कोण क्या होगा भाई दोनों के योग के बराबर होगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये बाह कोण कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अच्छा ये कोण हो गया 90 प्लस थीटा, ये वाला है 90, टोटल होगा 360, तो 360 में घटा देंगे कितना 90 प्लस थीटा प्लस 90 यानी कि 180 प्लस थीटा को घटाएंगे 360 से, तो आ जाएगा 180 माइनस का थीटा। अब बिंदु बी पर हम लगाएंगे लामी का प्रमेय, है ना, लगाएंगे यहाँ पे हम लोग लामी का प्रमेय, चलिएगा लगाते हैं लामी का प्रमेय यहाँ पे, है ना, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, लगाओ लामी का प्रमेय। देखिएगा लामी का प्रमेय क्या कहता है कि T1 बटे T1 ये है यहाँ पे फोर्स, इसके अलावा दो फोर्स कौन से बच रहे हैं हमारे पास, एक 26 बच रहा है एक T2 बच रहा है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो इसकी जा तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू T2 क्या है T2 ले लिया। अब T2 के अलावा दो फोर्स कौन कौन से बच रहे हैं, T1 बच रहा है और एक 26 बच रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, तो इनकी ज्या ले लो साइन 90 प्लस थीटा। इसके बाद अगला बल क्या है हमारे पास, अगला जो फोर्स है वो 26 है, 26 के अलावा दो फोर्स T1 T2 बच रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है ना, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा समझिएगा इसे, T1 बटा में कितना हो जाएगा, ये T1 बटा में थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश रहेगी, है ना, जगह कम लग रही है, यहाँ देखिएगा यहीं देख लीजिएगा, ये हो जाएगा T1 बटे में साइन 180 माइनस थीटा, सभी जानते हैं कि साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू T2 बटे साइन 90 प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, साइन 90 का मान 1 होता है यानी कि ये हो गया 26/1। कुल मिला के पहला और लास्ट वाला अनुपात लोगे तो T1 बराबर आ जाएगा 26 साइन थीटा। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा T2 बराबर 26 कॉस थीटा। अब आ जाओ अपने बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखिए साइन थीटा कितना निकल के आएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सामने क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, कर्ण क्या है यहाँ पे 13, तो यानी कि ये वैल्यू निकल के आ गई, एक तो हो गया 26 गुणे लंब, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, 13 दुनी 26 दो आ गया। अच्छा एक मिनट देखेंगे, है ना, हो सकता है दिख ना रहा हो, तो कितना हो जाएगा 12 दुनी 24, एक तो हो गया हमारे पास 24 किलोग्राम भार। T2 के पास चलो, T2 क्या कह रहा है 26। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, काट दीजिए 2, 5 दुनी 10 किलोग्राम भार, है ना, तो 24 और 10 होंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 किलोग्राम भार और 10 किलोग्राम भार होंगे ये दोनों तनाव जो है ना, कि जंजीरों में जो तनाव होंगे, इस वायर में जो तनाव होंगे वो 10 किलोग्राम भार और 24 किलोग्राम वेट के इक्वल होंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 डेसीमीटर और 24 डेसीमीटर लंबी दो डोरी से डब्लू भार का एक पिंड लटका हुआ है, यहाँ पे डब्लू भार का एक पिंड है आपके पास लटका हुआ है ना, हो सकता है कि कट रहा हो, एक मिनट देखते हैं, हाँ यहाँ पे ये डब्लू भार यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है ये डब्लू है यहाँ पे इसका वेट है। चलिएगा फिर हमसे क्या कह रहा है कि पिंड लटका डोरियों के दूसरे सिरे 25 डेसीमीटर लंबी, एकदम सेम जैसा पुराना वाला क्वेश्चन उसी टाइप में रख लिया गया है, कह रहा है यदि इस छड़ में रखी हो पिंड ठीक उसके मध्य बिंदु के ठीक नीचे लटका हो, यानी कि यहाँ पे एकदम बीचों बीच लटका है ये पॉइंट, है ना, ये लटका हुआ है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी एक 25, 7 और 24 एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये वाला कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, नो डाउट ये कोण कितना है 90 अंश का है। अच्छा ये बताओ अब ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु है और आपको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से और किसी अगर सामने कर्ण की भुजा कर्ण को मिलाया जाए तो जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है हाफ कर देता है इस भुजा को, यानी कि ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे।
अब हमने क्या किया, इस एंगल को, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी ना, हरे हरे वाले पार्ट जो मैंने दिखाया आपको, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये हमने थीटा मान लिया है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, है ना, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अब देखिएगा टोटल कितना है, अब देखो ये एक सीधी रेखा है, ये थीटा है तो ये वाला कितना बचेगा, टोटल 180 है, लीनियर पेयर, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे ये कितना होगा, ये हमें निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल से निकाल लो, 180 माइनस थीटा, और ये कितना, ये वाला पूरा 90, 360 में घटा देंगे, 360 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। ठीक है भाई, ये 180 माइनस थीटा है और ये वाला टोटल कितना है, 90 है, 360 से घटा के निकाल दो तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा। अब ये बिंदु बी पे, चूंकि क्या है, तीनों बलों को देखो एक त्रिभुज के भुजाओं के द्वारा रखा गया, इन तीनों बलों को एक त्रिभुज की ट्राइंगल्स की एक भुजा के भुजाओं के द्वारा रखा गया, इसका मतलब कि ये संतुलन में है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, और इक्विलिब्रियम में जो होती है तो वहां पे हम लगा सकते हैं लामी की प्रमेय। लगाइए यहाँ पे लामी का प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, पहले हम ले रहे हैं T1 को, लामी की प्रमेय क्या कहती है, T1 के अलावा दो बल बच रहे हैं हमारे पास, T2 और W, और उनके बीच में जो एंगल है 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अगला बल क्या है, T2 तो T2 के अलावा आप देखिए हमारे पास T1 और W के बीच में 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह से ये W है, W बटा में आ जाएगा हमारे पास साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा W साइन थीटा और T2 इज इक्वल टू हो जाएगा W कॉस थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख देनी है, काम खत्म, ये हो जाएगा W साइन थीटा लंब बटे करण, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस, देखिए त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC में देखिए लंब कितना है, थीटा ये है, लंब 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बटे करण कितना है, 25, यानी कि T1 जो आ गया हमारे पास 24 बटा 25 आ गया, और देखते हैं आगे W भी आएगा साथ में, है ना, देखो यहाँ पे भी 24 बटे 25 है लेकिन W नहीं दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अब इसका देख लेते हैं, मतलब उसका कुछ भी देख सकते हैं, अभी T2 हो सकता है कि D सही हो जाए, W cos थीटा क्या होता है, आधार बटे करण, यानी कि 7 बटा 25, तो ये 7W/25 हो जाएगा और ये 24W/25 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है कि तीन बल है हमारे पास, तीन फोर्सेस हैं, P 2P 7P, मूल बिंदु ओरिजिन O पर लगे हुए हैं और बल X है ना, ये जो फोर्सेस हैं हमारे X एक्सिस के साथ 30 डिग्री 60 डिग्री, X एक्सिस के साथ पहला वाला 30 बना रहा है, फिर क्या बना रहा है 60 बना रहा है, और उसके बाद कितना बना रहा है 90 बना रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट, इनके परिणामी का परिमाप, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिएगा निकालिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बलों के वियोजित भाग यानी कि इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं, है ना, चलो निकालते हैं इनके कंपोनेंट्स, है ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाला जाए, इसका क्षैतिज घटक निकाला जाए, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा भाई, बल ले लो पहला पी, देखो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल एक्स अक्ष के साथ बना रहा है, तो पी ए हो गया। दूसरा बल क्या है, 2P एक्स अक्ष के साथ कितने का कोण बना रहा है, 60 का बना रहा है। तीसरा कितना हो जाएगा भाई, ये 7P हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 90। अच्छा, कॉस 30 का मान √3/2P हो गया, प्लस ये हो गया 2P और ये हो जाएगा 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, तो पूरे को 0 कर देगा, काट दीजिए, काट दिया भाई हमने, कितना आया ये आ गया √3P/2+P, ये हो गया x। अब इसी तरह हमें निकालना है y, क्या करना है, इसी तरह ही सेम डिट्टो है ना, y निकालना है ना, y यहाँ निकाल रहे हैं, y यहाँ निकाल रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन की जगह बच जाए, चले गए, यहाँ निकालते हैं y यही निकालते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p साइन 30, बस अगला तो देखने नहीं, साइन 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 2p साइन 60 प्लस और 7p साइन 90। अच्छा,
कैलकुलेट करेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 तो पी बाई 2 हो जाएगी, प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है तो √3 पी हो जाएगा, प्लस ये साइन 90 का मान 1 होता तो 7 पी हो जाएगा, 7 पी और पी बाई 2 जोड़ेंगे तो 15/2 कितना हो जाएगा, 7 × 14 15/2 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/2 पी, यानी कि 15 पी/2 प्लस √3 पी। एक्स भी मिल चुका है, वाई भी मिल चुका है, हमें इनके रिजल्टेंट निकालने, इनका परिणामी निकालना है, है ना, निकालिए इनका परिणामी, तो परिणामी आर बराबर आ जाएगा √x² + y² x² कितना दिया गया है, √3 p/2 + p² प्लस r² कितना दिया गया है, 15 p/2 + √3 p² करिएगा, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, जो भी आएगा देखा जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, a² ये कितना हो जाएगा, 3p² / 4 प्लस p² प्लस वो कट जाएगा तो √3, 2 से 2 कट जाएगा, √3p² आ जाएगा, ये √3p² आ जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा, 15 × 15 = 225p² / 4 अच्छा, प्लस 3p² प्लस कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 15 √3, है ना, 15 √3p² चलिएगा, ऐड करेंगे भाई, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3p² / 4 और 225p² / 4 ऐड करेंगे तो 228p² / 4 आएगा, 228 को आप 4 से काट देंगे, 228 को आप 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 57, तो ये हो जाएगा 57p², इसका हिसाब हो चुका है और इसका हिसाब हो चुका है, देखो एक p² ये हैं, 3p² ये हैं, तो ये 4p² और इसमें ऐड होंगे, प्लस √3p² ये हैं और 15 √3p² ये हैं, यानी कि ये हो जाएंगे 16 √3p² अच्छा आगे देखेंगे, 57 × 4 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, 61 p² प्लस 16 √3p² p² पूरे से कॉमन निकाला जा सकता है तो p आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 61 + 16 √3 तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 61 + 16 √3 p बाहर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में सही हो जाएगा b। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है तो आप उसे इस तरह से टैकल करेंगे, है ना, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना कि एक बल पे लगे, एक बिंदु पे लगे तीन बलों का या तीन से अधिक बलों का, जब भी हमें निकालना होगा रिजल्टेंट या परिणामी निकालना होगा तो हम इस तरह से निकालेंगे जैसे हमने निकाला है। कल हम लोग बात करने वाले हैं, कल की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे, है ना, गुरुत्व केंद्र कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर सकते हैं, है ना, गुरुत्व केंद्र कर सकते हैं, इस चैप्टर में बचा है और एक दो टॉपिक आपने जो बताए हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ है कोई, है ना, तो ये जो भी है मतलब किसके क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ में लेके आएंगे, ठीक है, चलेगा, तैयारी करिएगा बढ़िया से, मुलाकात होगी कल, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करना भी शुरू करिए, है ना, आप शेयर नहीं करते हो, आप शेयर करने लगोगे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, है ना, हमारा भी उत्साह वर्धन आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा, चलेगा, मुलाकात करते हैं कल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।